तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, स्प्रिंग सीजन या बसंत ऋतु आ चुका है और इस समय मौसम बहुत ही सुहाना रहता है। ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा, बोले तो एकदम परफेक्ट रहता है मौसम। इस समय का नेचर एक अलग ही अंदाज में हमारे सामने प्रकट होती है। दोस्तों, मैं ट्रॉपिकल एरिया से आता हूँ, तो इस समय पतझड़ का भी समय माना जाता है। वनस्पतियाँ अपने पुराने पत्तों को सोने की परत चढ़ाकर धरती पर बिखेर देती है और नए पत्तियों से सजकर हमारे सामने प्रकट होती है। तो दोस्तों, हमारे इलाके में एक प्रकार का पेड़ उगता है, जो कि हम उसे पलाश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस समय यानी बसंत ऋतु में ये पेड़ अपने आप को फूलों से लाद कर, सज धज कर एक नए रूप में अपने घूंघट को छोड़कर हमारे सामने एक नई नवेली दुल्हन की तरह आती है। तो दोस्तों, पलाश के फूल बसंत ऋतु का आगमन का घोषणा कर देती है। तो दोस्तों, मेरे इलाके में पलाश के फूल चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएगा और ये ट्रॉपिकल एरिया में ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, इस समय यानी बसंत ऋतु में मधुमक्खियां अपने काम में जुटी हुई रहती है और इन फूलों से यानी पलाश के फूलों से रस कलेक्ट करने में दिन भर बिजी रहती है। दोस्तों, हम इस टूटे फूटे रोड पे चल रहे हैं, लेकिन ये रोड हमें बाहरों के मंजिल तक ले जाने में काफ़ी है। दोस्तों, हमारे चारों ओर वनस्पतियाँ ही वनस्पतियाँ हैं और हमारे सर के ऊपर ये नीला सा आसमान, जिसका कोई सीमा या अंत नहीं। दोस्तों, हम दक्षिण की दिशा में चल रहे हैं और इसलिए मेरा बाएं तरफ पूर्व की दिशा आता है और दाएं तरफ पश्चिम की दिशा आता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरा ये इलाका ट्रॉपिकल जोन में आता है और ये झारखंड का छोटा नागपुर पठार का ही एक हिस्सा है और इस पठार का छोटा सा हिस्सा हमारे बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में भी आता है और तो और मेरे ब्लॉक में एरिया में भी इसका एक छोटा सा अंश हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मैं अपने गांव के आसपास के एरिया में करीब 2 या 3 किलोमीटर के दायरे में हूँ। तो दोस्तों, मेरे इस इलाके को बड़ा वन कहा जाता है। नाम से ही आपको पता चल ही गया होगा, वन मतलब फॉरेस्ट, जो कि एक समय हुआ करता था। आज से शायद 100 या 200 साल पहले मेरा ये इलाका अपने नाम की तरह सचमुच बड़ा वन ही हुआ करता था, जो कि अब नहीं है। लेकिन अगर हम और गवर्नमेंट चाहे तो इस इलाके को हम फिर से उसी प्राचीन रूप में इसे तब्दील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे ग्रीड की वजह से ये वनभूमि और इस पर रहने वाली पशु पक्षियों को हम खो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर हम चाहें तो इसे फिर से अपने खोया हुआ रूप दे सकते हैं। दोस्तों, ये जो पलाश का पेड़ हमें दिख रहा है ना, इस पेड़ के खाल आयुर्वेद के दवा बनाने के काम आता है और फूल होली के रंग बनाने के काम आता है। दोस्तों, हर पेड़ पौधे में कुछ न कुछ औषधि का गुण पाया जाता है, जो कि हमारे पूर्वजों को
सब पता था दोस्तों, लेकिन हम इस सोच की धारा से अलग हो चुके हैं। अगर हम इस नॉलेज के धारा में खुद को शामिल करते तो मानव समाज का कल्याण ही होता। तो दोस्तों, बसंत ऋतु में जब पलाश के पेड़ों में फूल आता है तो मानो पेड़ों में आग सी लग जाती है। और दोस्तों, जैसे जैसे धूप बढ़ता जाता है, इन पलाश के फूलों का रंग उतना ही गहरा होता जाता है। तो दोस्तों, इन पेड़ों में फूल आते ही चारों दिशाओं में एक खुशी का माहौल सा बन जाता है। और इन माहौल में हम इंसानों को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, लेकिन अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों के आगमन इस इलाके को पूरी बसंत के कालखंड में उत्सव का माहौल बनाने में मदद करता है। और तो और, तितली मधुमक्खियों के शामिल होना इन बसंत उत्सव का सेलिब्रेशन कई गुना बढ़ जाता है दोस्तों। दोस्तों, पक्षियाँ पलाश के फूलों से लदी हुई पेड़ों में बैठकर मीटिंग्स, सेमिनार्स के साथ साथ अपने यार दोस्तों या रिश्तेदारों या दूर दराज से आया हुआ रिलेटिव्स के साथ अपना सुख दुख भरी जिंदगी की कहानियाँ साझा करती है और अपने भविष्य के बारे में अपनी प्लान तैयार करती है। तो दोस्तों, राह पर आते जाते इंसानों को देखकर परवाह ना करना पक्षियों का आदत सा बन जाता है। और पक्षियों के इंसानों के प्रति संकोच ना करना, ये आदत मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। दोस्तों, ये जो मैदान आपको दिख रहा है ना, इसे 12 बीघा का मैदान कहा जाता है। ये मैदान मेरे पड़ोस के गांव में आता है। यहाँ फुटबॉल और गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के पंचायती स्तर का ओलंपिक होता है दिसंबर के महीने में। तो दोस्तों, बरसात के मौसम में मेरा ये इलाके चारों तरफ हरियाली की लहर से छा जाती है। धरती अपनी हरी भरी चादर बदन में लपेट कर रहती है। धरती पर तरह तरह के घास उगता है और नेचुरल कारपेट सा बना देती है दोस्तों। दोस्तों, जाना अनजाना बहुत सारा घास जो कि अपनी छोटी छोटी फूलों के गुलदस्ता लेकर यहाँ वहाँ खड़ी मिलती है। दोस्तों, ये अनुभूतियाँ बहुत ही सुखद होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे चारों दिशाओं में पलाश के पेड़ों में बसंती फूलों का आग सी लगी हुई है और इन आग की गर्मी हमारी दिलों को उष्मा प्रदान करती है और ये अनुभूति बहुत ही सुखद होती है दोस्तों, जो कि इसका कोई मोल नहीं। दोस्तों, मैं तो कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ, हजारों साल पहले इन जगहों पर किसका राज हुआ करता था, जब आर्य खैबर पास से होकर पंच नदियों के इलाके में प्रवेश किया था। ये जगह तब भी वनभूमि हुआ करता था दोस्तों। और जब गौतम बुद्ध अपनी नवविवाहित पत्नी को छोड़कर रात की अंधेरी में चुपके से अपने घर को छोड़ा था, तब भी ये जगह चांदनी रातों में मुस्कुराया करता था दोस्तों। दोस्तों, जब वाल्मीकि जी अपना रामायण लिखा करते थे, तब भी ये जगह हुआ करता था। दोस्तों, जब चंद्रगुप्त मौर्य जब राज सिंहासन पर बैठे थे, ग्रीक वीर सिकंदर जब अपना साम्राज्य विस्तार में बिजी थे, राजकुमारी संयुक्ता जिस दिन स्वयंवर सभा में पृथ्वीराज के गले में अपनी वरमाला पहनाई थी, युद्ध में हार कर बदनसीब दारा जिस रात
आगरा से दिल्ली भाग गया था, जब पानीपत का युद्ध हुआ था, जब ईसा मसीह क्रूसीफाइड हुए थे, मेरा ये इलाका तब भी हुआ करता था दोस्तों। और दोस्तों, इस इलाके में तब केवल और केवल वनस्पतियों का राज हुआ करता था। दोस्तों, शायद मेरा परदादा इसी रास्ते से होकर गुजरा करते थे, मेरा दादाजी भी शायद इसी रास्ते से होकर अपनी नववधू को घर ले आए थे। दोस्तों, मेरा दादी जी की अर्थी भी शायद इसी रास्ते से होकर गुजरी थी, मेरा पिता शायद इसी रास्ते से होकर अपनी स्कूलिंग किया करते थे, और मेरी माँ की डोली भी शायद इसी रास्ते से होकर हमारे घर तक पहुँची। और दोस्तों, मेरा माता पिता के अर्थी भी इसी रास्ते से होकर शमशान तक पहुँचे थे। दोस्तों, मेरा भी बचपन का कुछ हिस्सा इसी इलाके में गुजरा था, और आज भी इस मिट्टी की खुशबू अपनी रगों में लेकर चल रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा इस मिट्टी को, मेरे भारत माता की इस पुण्य भूमि को मेरा सत सत प्रणाम।